बिहार की राजनीति के हॉट केक बन चुके कन्हैया कुमार, जो जेएनयू छात्र संघ के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अब पटना एम्स में हंगामा कर दिया है, साथ साथ मारपीट की भी खबरें आ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। कन्हैया कुमार अपने समर्थकों के साथ पटना एम्स में घुस गए थे, हालांकि डॉक्टरों ने इसका विरोध किया, जो वो एआईएसएफ के समर्थक के साथ अंदर घुस रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और खूब धक्का मुक्की हुई है। और डॉक्टरों ने आरोप भी लगाया है कन्हैया कुमार पर बदसलूकी करने का, दुर्व्यवहार किया गया है डॉक्टरों के साथ, जिसको लेकर के डॉक्टरों में खासा आक्रोश है। उन्होंने ये भी बताया है, डॉक्टरों की बात कर रहे हम, कि जब मना करने के बाद भी कन्हैया कुमार अपने समर्थकों के साथ घुसे तो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है, साथ साथ एआईएसएफ के जितने कार्यकर्ता थे जो उस वक्त कन्हैया कुमार के साथ थे, उन्होंने गार्ड के साथ साथ मारपीट भी की है और पूरे परिसर में हंगामा भी किया है, शोर भी मचाया है। तो क्या कन्हैया कुमार राजनीति में जिस तरह से एंटर कर रहे हैं, हंगामा करना और राजनीति में एंट्री लेना, ये सीधा रास्ता है, एक पास मिल जाता है लोगों को हंगामा करके राजनीति में एंट्री करने का, और कन्हैया कुमार पहले भी प्रदर्शन करते आए हैं, तो क्या एम्स में जाना और हंगामा करवाना एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं से, ये क्या सोची समझी चाल थी? ऐसा कन्हैया कुमार ने क्यों किया? क्योंकि 2019 का चुनाव नजदीक है, तो क्या हॉट केक बन रहे कन्हैया कुमार अपने आप को और हॉट कर रहे हैं, ओवन में डाल रहे हैं अपने इन बातों को लोगों के सामने रख करके, इन गर्मा गर्म बातों को लोगों के सामने परोस रहे हैं, या डॉक्टरों के खिलाफ फिर कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं? इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है उस हिसाब से ही हमने आपको ये बात बताई है, और बात काफी पुख्ता है कि कन्हैया कुमार ने डॉक्टरों का विरोध किया है, धक्का मुक्की भी हुई है, और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं से गार्डों की, जो गार्ड्स है पटना एम्स के, उनके साथ मारपीट भी हुई है। इस खबर पर पुलिस क्या करेगी, क्या जांच कमेटी बैठेगी, और डॉक्टर जो आक्रोशित है कहीं वो हड़ताल पर तो नहीं चले जाएंगे, और यदि हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर कितना मामला बिगड़ेगा? इस बिगड़े हुए मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, मामला बिगड़ता है या सुधरता है, कन्हैया कुमार क्या स्टैंड रखते हैं, इस बात पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है, हम हर पल हर खबर के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।